नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल स्काई में आपका स्वागत है। कद्दू का सेवन लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आप कद्दू खाने के नुकसान जानते हैं? कद्दू एक प्रकार का फल है। अपने औषधीय गुणों के कारण कुमड़ा या कद्दू आज दुनिया भर में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कद्दू के फायदों की बात करें तो ये वजन कम करने, कैंसर की रोकथाम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, त्वचा को स्वस्थ रखने, अनिद्रा जैसी समस्याओं का इलाज करने में प्रभावी होते हैं। लेकिन वही कद्दू खाने के कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कद्दू खाने से क्या नुकसान होते हैं और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कद्दू का सेवन करना नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ लोग कद्दू और इसके परिवार से संबंधित खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कद्दू का सेवन करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें एलर्जी हो सकती है। कद्दू में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए कद्दू का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचे। जो लोग लिथियम आधारित दवाओं का सेवन कर रहे हैं, उन्हें कद्दू का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कद्दू के मूत्रवर्धक गुण आपके शरीर से लिथियम को दूर कर सकते हैं या इसे प्रभावहीन बना सकते हैं। फाइबर की उच्च मात्रा होने के कारण अधिक मात्रा में कद्दू का सेवन करने से कुछ लोगों को पेट में दर्द, दस्त, पेट की ऐठन आदि समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग निम्न रक्तचाप संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए भी कद्दू का सेवन ठीक नहीं है, क्योंकि कद्दू में उच्च रक्तचाप को कम करने वाले गुण होते हैं, जो निम्न रक्तचाप के रोगी द्वारा सेवन करने पर उनके रक्तचाप को अधिक निम्न बना सकते हैं, जो उनके लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।